नमस्ते भाइयों, मेरा नाम है अजय गोयल। मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से गाज़ियाबाद में रहा हूँ। मैं ये वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ अगले साल 2017 में। जनवरी फरवरी में इलेक्शन है, जनवरी अगले साल 2017 में। और मैं वॉलंटियर रहा हूँ आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी का। शुरू में मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी यहाँ पे गाज़ियाबाद में, लेकिन बीजेपी का जब मैंने हिसाब देखा था बहुत ख़राब हिसाब है, गुंडागर्दी वगैरह है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की दिल्ली में और उनके लिए वॉलंटियरिंग करी इलेक्शन से पहले। और फिर वो जब जीते उसके बाद भी उनसे बिल्कुल टच में रहा, उनके वॉलंटियरिंग करता रहा, तब भी चाहता आता रहता हूँ उनके ऑफिस वगैरह में। और फिर मैंने वहाँ पर भी देखा कि बहुत गलत लोग आने लगे हैं और बहुत गलत लोग पहुँच गए हैं पार्टी में, जिसका अरविंद जी को तो नहीं पता। अरविंद जी तो देखिए हमारे लीडर हैं, उनको सर को नहीं पता, कुछ और बड़े लीडर्स हैं उनको सब कुछ नहीं पता। लेकिन मैंने खुद ऑफिस में जा कर देख लिया। देखिए जब आमतौर पर जो आम वॉलंटियर होता है ना, मेरी तरफ भी जाकर सब देखकर सब पता चल जाता है कौन कितने गलत आदमी है, वहाँ पर कितने सही आदमी है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। तो जो गलत होता था मैं उसके बाद तब भी उठाता, आज भी उनके ऑफिस में जाता हूँ तब भी उठाता हूँ, उसमें कोई बात नहीं है। मुझे अरविंद जी से कोई वो नहीं दिक्कत, अमानी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गलत लोग घुसे हैं उसमें उनसे दिक्कत पहले भी थी, आज भी और हमेशा रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी मेरा ये हिसाब है कि अगर जो गलत लोग हैं, जो गलत करते हैं देश के खिलाफ, मैं उनके खिलाफ हमेशा रहता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वो किसी और पार्टी का हो, तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं हमेशा गलत के खिलाफ करता आया हूँ और इसी के लिए मैं अभी इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। हमारे यूपी में आपको पता होगा गाज़ियाबाद तो है ही, बदनाम हो चुका है पूरी दुनिया में। आप लगाइए कि मैं अभी रिसेंटली मॉस्को भी गया था, मॉस्को में भी लोग जानते हैं कि हाँ भाई यूपी में गाज़ियाबाद में दिल्ली में वगैरह में और नेता गलती चलती है, गुंडागर्दी क्या चलती है, नेताओं का और फेमस का क्या वो है, तालमेल है। मैंने खुद वहाँ पर भी फेस किया मॉस्को में, मुझे देखा है तालमेल क्या बैठा हुआ है पॉलिटिशियंस का वहाँ पर। तब मैं वहाँ पर था तो मुझे बल्कि हैरानी हुई जानकर कि पप्पू यादव को हेलीकॉप्टर दे दिया इन्होंने बीजेपी ने, और बीजेपी में मिल गया वो आके, जब उसको 2 साल की सजा भी पता नहीं क्या जैसे बात मिल रहा है पप्पू यादव। और वो उसके साथ था पहले, क्या कहते हैं उनके साथ था, लालू जी के साथ था पहले, और लालू जी के साथ उसके बाद में आ गया, इन्होंने उसको हेलीकॉप्टर भी दे दिया। इतने बड़े गुंडे को बीजेपी पाल दिया, तब तक किसी चीज़ का मोदी जी कहते थे मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अरे वो दोनों चीज़ कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, खाने भी दे, वो खा भी रहे हैं और खाने भी दे रहे हैं सबको, इनके पार्टी वाले जितने भी लोग हैं। अब आप देखिए ना, अभी रिसेंट आज ही न्यूज़ आई है, 10 करोड़ तो इन्होंने नवरात्रि के टाइम पर खर्च किया मोदी जी ने अपने खाने खाने पर, ठीक है जी। उसके अलावा क्या कहते हैं कितने पता नहीं करोड़ों का अभी घोटाला क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी ने वो उजागर किया इनका, ये जिन्होंने ड्रेस पर खर्च किया इन्होंने करोड़ों, पता नहीं कितनों करोड़ लुटा दिया। अभी जो टॉयलेट बने थे उसमें 40 लाख का घपला कर दिया, 400 टॉयलेट वैसे पेपर दिखा दिए बने ही नहीं, 400 टॉयलेट जितने बने उसमें 400 बने नहीं, उसे पेपर दिखा के जो चार्ज करवाई गई क्या चलो है जी। तो ये तो कहने की बातें होती हैं, उनके हाथी के दांत हैं, दिखाने की और है खाने की और है, सबसे बात है। पॉलिटिशियंस का पॉलिटिकल पार्टीज का मैंने ये फंडा देखा है हमेशा। इसलिए मैं जब अभी बैंगलोर जब मैं था कुछ अगले साल पिछले साल जब था मैं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि भी किसको देना चाहिए वोट, तो मैंने कहा देखो जो इंडिपेंडेंट बंदा ही खड़ा हुआ है ना इसको दीजिए वोट, जो कि मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं दीजिए वोट क्योंकि वो एक बार को अपने प्रूव करने के लिए आपके लिए कुछ अच्छा कर भी करेंगे। अब बीजेपी का आपने वोट दिया, कांग्रेस का वोट दिया, तो वो तो सेमिस्ट पार्टी है, वो वोट लेने के लिए तब तक आपके हाथ पर जोड़ रखती हैं, कुछ भी दिखा देती हैं आपको, वोट मिलने के बाद वो सब भूल जाते हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। मोदी जी खुद कहते हैं उनके जुमले थे वो उन्होंने खुद ही मान लिया था। देखिए मतलब कैसे मान लेता है, खुद ही मान रहे हैं जुमले देने के बाद और इलेक्शन जीतने के बाद कि वो तो जुमले थे, और जो हमने बोल दिया इलेक्शन से पहले कुछ और दिया था, इलेक्शन के बाद कुछ और भी सीन होता है, वो सब नहीं किया जाता है। तो क्यों नहीं किया जाता भाई, क्यों आपने वो बोला पैसा आपने जो आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। इस मामले में कम से कम हमारे हमारे पढ़े तो अच्छे बेचारे हैं, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, कुछ कर नहीं देते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, जो अलग बात है कि कोशिश तो करते हैं, वो उनका कम से कम जनरल एफर्ट तो है हमेशा, जो उनकी इच्छा शक्ति है जो इच्छा है वो तो सही है ना, उनके जो विचार हैं वो तो सही है, वो जो करने की कोशिश करते सही है वो, बल्कि उसे भी उन्हें भी विचारों को मोदी रोकते रहते हैं, उनकी पार्टी रोकते रहती है कि भाई ये करो वो मत करो ये मत करना वो मत करना। देखिए मैं तो कहता हूँ बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत, मैं कहता हूँ ना ही सिर्फ कांग्रेस मुक्त भारत बल्कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और CPIM और जितनी भी पुरानी ये ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज हो गई हैं, JDU को भी मैं तो कहता हूँ साथ ही करना चाहिए, वो भी सब पुरानी पॉलिटिकल पार्टी क्योंकि सब पहले पुराने धर्रे पर चलते आए हैं, तो बेटा अभी नहीं मैं बात कर रहा हूँ, तो पुराने धर्रे पर चलते हैं तो उनके ऊपर वो विश्वास करना बेकार है, उनको उन्हें वोट देना बेकार है। नई नई पार्टियाँ लाइए जैसे वरुण गांधी जी हैं, अच्छे लगे मुझे कैंडिडेट, BJP उन्हें वोट दे रही है, इसलिए गांधी परिवार के यार ये तो मतलब नहीं होगा गांधी परिवार में तुम वोट नहीं देंगे, मैं गांधी परिवार का कोई बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन ये है कि वरुण गांधी अगर BJP में है और वो
इस तरह के करेक्टर बन रहे हैं क्या, अपने की मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया सकता है या बीजेपी का? बीजेपी सिर्फ इसलिए नहीं बना रही क्योंकि वो गांधी परिवार के हैं तो पता चलता है वो कितने गलत लोग हैं, अरे आपकी पार्टी में अभी गांधी परिवार या क्या परिवार का क्या मतलब हुआ? तो ये वरुण गांधी जैसे को नए नए आए हैं और या दूसरे जो नए आ रहे हैं उन जैसे को आप चांस दीजिए, हम लोगों को यही कहूँगा जैसे UP जब खड़ी की पार्टी देखी, नए नए लोगों को चांस दिया ना, नए नए लोगों को रखा और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक अलग बंदे को चुना, कोशिश की सही बंदे को किसी को चुनकर और इलेक्शन लड़ाया जाए और वो देखो जीते भी, और उसी तरह से हम सारे लोग कामयाब हो सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं है जीतने की भी एक बार को, जिताएँ ना जिताएँ ये आपके ऊपर है, आप ही को डिसीजन करना है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं क्राइम के खिलाफ करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ और मैं करप्शन तो फिर भी कंट्रोल करा ही सकता है, मैं किसी से किया है तो उसके लिए बहुत चल भी रहा है, उसके लिए किया भी जाएगा और बार करा भी जाएगा, लेकिन उससे भी पहले मैंने देखा है कि करप्शन को करने वाले कौन है, करप्शन करने वाले क्रिमिनल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो उनका आपस में नेक्सस है, वो आपस में जो समन्वय है इनका पॉलिटिशियंस का और क्रिमिनल्स का, वो एक सबसे बड़ा खतरनाक मुद्दा है और ख़तरनाक चीज़ है आम लोगों के लिए। और देखिए हमारी यूपी में तो बहुत गुंडागर्दी चलती है, मैं गाज़ियाबाद में एक बात का वादा करता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा, पूरा प्रयत्न करूँगा कि गुंडागर्दी मैं ख़त्म कर दूँ, गाज़ियाबाद से कम कर ही दूँ पहले, क्योंकि जब मैं गाज़ियाबाद से जीतूँगा पहले या गाज़ियाबाद में अगर मैं भी जीता तो मैं उसके बाद ही काम करता रहूँगा, क्योंकि हम काम करने के लिए हम लोगों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, ये नहीं हो रहा तो इसलिए कि मुझे इलेक्शन जीतना ना जीतना मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना फर्क पड़ता है ना फर्क, इस बात को सोचने के लिए आया हूँ। अगर मुझे इलेक्शन में होता तो मैं बहुत पहले आम आदमी पार्टी का दिल्ली भी लड़ गया होता, मेरे को ऑफर हुआ था लेकिन मैंने ठुकरा दिया था, तो मैं नहीं आ चाहता था पॉलिटिक्स में, लेकिन अब मैंने जब देखा कि यूपी में गाज़ियाबाद में क्या इतना बुरा हाल है कि गुंडागर्दियाँ आम लोगों को तो बेचारे को, तो देखिए मैं तो फिर भी मैं लड़ लेता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं 10-12-15-20 जितने भी बंदे रह गए मैं डरता नहीं हूँ, जो जानते हैं जैसे कि पंगा किए हैं आगे लोगों ने गुंडों ने यूज़ किए समाजवादी पार्टी वाले गुंडे वाले यूज़ किए, मैं कुछ नहीं कर पाई इसलिए जानते हैं भले ही उन्होंने मतलब मेरे को नाम कर लिया या उल्टा कुछ कह दिया मेरे बारे में छोटी फैला दी और वो कर लिया कि वो मेरा कुछ बीमार नहीं पाए, तो मैं गुंडों से नहीं डरता, गुंडागर्दी से नहीं डरता गुंडों के खिलाफ, लेकिन आम लोगों के लिए मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, और आम लोगों के लिए मैं ये कहूँगा आम लोग फिर भी सबसे अच्छे आम लोग ही हैं, लेकिन मैं अच्छों के साथ बहुत अच्छा हूँ और बुरों के साथ बहुत बुरा हूँ, तो और देखिए ये तो करना पड़ता है, बुरों के साथ आपको बुरा होना ही पड़ता है, अगर आपसे चल रहे जी मैं अच्छों के साथ भी अच्छा हूँ बुरों के साथ भी अच्छा हूँ तो वो नहीं चल सकता, आप अच्छों के साथ ही अच्छे हो सकते हैं, बुरों के साथ तो आपको बुरा ही होना पड़ेगा, क्योंकि आप बुरों के साथ अच्छा होगा तो फिर आपके वोट लगा देंगे उसके, और अब तक मैं आपके सामने जिंदा नहीं होता, ये इंटरव्यू ये मतलब आपकी ये स्पीच भी ना दे रहा होता और ये इलेक्शन में आज लड़ने की हिम्मत भी ना करता, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको चलता महत्व चाहिए, मैं आपको ईश्वर कर सकता हूँ और गाजी में जीता तो मैं फिर हो सकता है बाद में जो समर्थन मैं मेरे को दे भी नहीं है कुछ पार्टियाँ समर्थन, मैं अगले बार बोलना नहीं चाहता उनका नाम, मैंने बात भी कर लिया उनसे, ईमेल वगैरह भी किया है, फोन से अगर कोई बात फोन वगैरह कोई बात किया उनसे, तो मैंने कहा है कि हम अभी क्योंकि इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं यूपी में तो हम आपको अभी खुला समर्थन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ हम आपको अनऑफिशियली आपको हम सपोर्ट करेंगे, यानी कि ऑफिस से बाहर हम आपको अभी फिलहाल सपोर्ट करेंगे अच्छी तरह से जो आप लड़ेंगे पार्टी और अभी, तो वो मेरे पास सपोर्ट है, और मैं वैसे अभी जिस पार्टी से लड़ रहा हूँ उसका नाम है जागो पार्टी, जागो पार्टी बहुत मशहूर पार्टी है, मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो जानते हैं, हमारे जो IT के जो थे अमचत लाल जी आम आदमी पार्टी के वो भी जानते हैं, पूरे भी जानते हैं, और तो जागो पार्टी छोटी मोटी पार्टी है और वो कलकत्ता में उनका हेड ऑफिस है और मेन ऑफिस है, और कलकत्ता में वो पावर में भी हैं और राजस्थान में भी वो अभी हाल फिलहाल में पावर में आए हैं, तो जागो पार्टी छोटी मोटी पार्टी नहीं है, काफ़ी बड़ी पार्टी है, यूपी में भी उनका संगठन खुदा है, तो उन्हें भी उन्हें मुझे टिकट दिया, मैं उन्हें कर रहा हूँ, पहले मैं सोच रहा था बल्कि मैं तो मतलब लड़ना ही चाह रहा था ना इलेक्शन की, मैंने कहा इस इन क्रिमिनल्स के खिलाफ मुझे लड़ना ही है और इस क्राइम को खत्म करना ही है, गाजियाबाद का नाम बहुत बदनाम हो चुका है दुनिया में, तो उसके खिलाफ मैं कुछ ना कुछ करते रहूँगा, तो मैं इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन चूँकि मेरे संपर्क रहे हैं मैं वॉलंटियर रहा हूँ पार्टीज़ के लिए, महान पार्टीज़ के लिए जैसे कि आम आदमी पार्टी, स्वराज अभियान सब लिए अभी जुड़ा हुआ हूँ, आम आदमी पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ और अभी जागो पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो सबसे बोला तो अभी आम आदमी पार्टी लड़नी थी इलेक्शन तो अभी लड़नी है, स्वराज अभियान जी भी पार्टी भी अभी नहीं लड़ रही है, तो जागो पार्टी लड़ रही थी तो उन्होंने मेरे को मैं आपको बताऊँ यूपी का भी प्रेसिडेंट बना दिया, तो यूपी का भी प्रेसिडेंट हूँ जागो पार्टी की तरफ से हम सब, लेकिन शुरुआत मुझे छोटे लेवल पर करनी हुई थी, मुझे देखिए एक बंदा वैसे भी लड़ता है तो पहले एक ही जगह लड़ता है, अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं गाजियाबाद से शुरुआत करना चाहूँगा, जो मेरे शहर है मैं जानता हूँ मेरी समस्याएं या फिर गुंडागर्दी उसको मैं सुधार भी सकता हूँ, मैंने काफ़ी कुछ कंट्रोल भी किया अपने बुल के पे अपने दम पर गुंडा लेके जैसे, इतना मेरे को भगवान ने बचपन से बनाया ज़बरदस्त कि मैं गुंडों से डरता नहीं हूँ, और पोलिटिकल पार्टी वार्टी कितनी लगा के देख ली इन लोगों ने उनके लोगों ने, पर मैं डरता नहीं हूँ, तो उसको चिंता मैं किया
और मुझ जैसे ही दबंग लोग इन जैसे क्रिमिनल्स को दबा सकते हैं और इस क्राइम को ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो 10 मिनट की होगी है, फिर आपको ये मजदूरी लोड भी करने में टाइम लगेगा और आपको भी फिर इसको वॉच करने में टाइम लगेगा। मैं आपको और वीडियोज़ निकालता रहूँगा। अभी सब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ अगले साल, जनवरी फरवरी में इलेक्शन होंगे यूपी में, और आपसे यही हाथ के प्रार्थना करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे कितने को वोट दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी समस्या है, आम लोगों से लेके गरीबों से लेके अमीरों तक, बड़े लोगों से लेके छोटे लोगों तक, सबको जो भी कैसे बट के बंदे हैं, जो भी और महिलाएँ विशेषकर और बच्चे जिनको कोई भी दिक्कत है और जो पढ़ते वगैरह नहीं है अभी और बाकी बुजुर्ग वगैरह जिनको भी कोई भी दिक्कत है, तो मुझे पता है कैसे उनको दिक्कत है, तो मुझे बता सकते हैं और मैं उनका निदान कराने की कोशिश नहीं केवल अपने बलबूते पर अपनी जागरूक पार्टी के थ्रू करूँगा बल्कि आम आदमी पार्टी के थ्रू, स्वराज अभियान के थ्रू भी करूँगा। तो सब पार्टीज मेरे साथ हैं और मैं उनका समर्थन भी लूँगा और वो बहुत अच्छा लोग हैं। उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस पार्टी का है, किस पार्टी कौन स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं है। उनका अच्छी बात यह है कि अच्छे लोग हैं तो वो समर्थन देते हैं अच्छी चीज़ का, तो इसलिए। और मैं इलेक्शन जीतने के बाद उन्हें भी हमारे जागो पार्टी में वो विलय करा लूँ तो ये हो सकता है, वो भी अच्छी बात नहीं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। क्योंकि मेरा मकसद है हम सब अच्छी पावर जो है, जो ताकत जो है देश में, वो इकट्ठे हो जाए, एकजुट हो जाए, ताकि ये ना रहे यार नहीं आम आदमी पार्टी बेचारे अलग से लड़ रहे हैं, मैं अलग से लड़ रहा हूँ, सवाल अपने अलग से लड़ रहे हैं और बोले से लड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो सबका समर्थन देता हूँ अच्छे लोगों को, जो भी देश के लिए आगे कार्य महिला कर रहे हैं, जो भी पार्टी महिला कर रही है, मैं उनके साथ था और रहना चाहूँगा हमेशा। तो बस यही कहना चाहता हूँ, मुझे अगर मैं जीत गया तो फिर तो पूछिए मत कि मैं मतलब बिल्कुल ही गुंडागर्दी बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँगा, लेकिन अगर नहीं जीता तो कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल जानार का क्या कहते हैं उसको बहुत सम्मान करता हूँ और जो भी होगा उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपके लिए काम करता था, करता हूँ और करता रहूँ, ये बात मेरा सबसे बात है। और आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप सब भी अगर आप कोई इंसिडेंट अभी भी होते हैं, अगर इलेक्शन लड़ने से पहले भी और लड़ते वक्त भी, उसके बाद भी, उससे पहले मैं जीतूँगा जीतूँ उसके, तो उससे फर्क नहीं पड़ता स्टेटस से, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ चलूँगा। पुलिस कंप्लेंट की जाएगी, पुलिस ने सुनेगी तो उसको ऊपर भी ले जाया जाएगा। जीरो एफ आई आर होती है, आपको पता होगा जीरो एफ आई आर ऐसी होती है जो उसको करनी पड़ती है, उनसे कंप्लेंट कर सकते हैं, दिल्ली में जाकर कर सकते हो, वो करने ही देते हैं क्योंकि कभी नहीं रही बात, क्योंकि उनको प्रेशर नहीं पड़ता, तो वो प्रेशर मैं डालूंगा और डालूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। आम लोगों के लिए मैं था हूँ और रहूँगा, तो आपको यही है कि आप फैसला कीजिए, सोच समझ के कीजिए। बीजेपी कांग्रेस वगैरह पुरानी पार्टी को भूल जाइए, वो सब उल्टे काम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, उसे बोलने के लिए बोलते हैं, कुछ नहीं करना होता उनको, कुछ नहीं करते हैं। मैं एक आम आदमी हूँ, आप लोगों में से आम आदमी हूँ, अगर आपको भी लगता है कि मेरे सब अच्छा है आम आदमी, उसको भी आपको दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके साथ था हूँ और रहूँगा। अच्छी बात है कि मैं सिलेक्शन करने में इसलिए ही आया हूँ कि ताकि आप सबके आप सब मुझे जान सकें और जान सकें कि आप ही के शहर में एक ऐसे व्यक्ति भी है, अजय नाम का, अजय गोयल नाम का, जो आपके लिए सोचता भी है, कोशिश भी करता है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आप, मैं आपको और वीडियोज़ बनाऊँगा, अभी मेरा भतीजा परेशान करता है, मैं बात करता हूँ, तो आप मेरी वीडियोज़ देखते रहिएगा और क्या कहते हैं फिर आपसे फिर मुलाकात।